Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, प्लीज। अरसल जी, आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्यों? वो इसलिए, उसका कारण ये है कि आज हमारे शो पे जो हस्ती आ रही हैं, इनका मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान फैन है। ये वो खूबसूरत सुपरस्टार हैं जिन्होंने एक से एक बढ़के सुपरहिट फिल्में दी हैं, जैसे कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम, दाग, चुपके चुपके और न जाने कितनी ऐसी ढेर सारी खूबसूरत फिल्में, और ये 60 से लेके आज तक लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं। अगर किसी को सपनों में रानी आती हो ना, तो आई एम श्योर कि वो इन्हीं की तरह दिखती होगी। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। देखिए मैम, आपका इंतजार किस बेसब्री से हो रहा था, और पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़ी हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप, यू आर वन ऑफ अस, यू आर एन एक्टर। ओह थैंक यू मैम, वेलकम टू आवर फ्रेटर्निटी। थैंक यू। शर्मिला मैम को देख के ना, इनकी तमाम फिल्में आंखों के आगे घूमने लग गई मेरी, और वो आइकॉनिक गाना जो मैं अभी गा रहा था, मतलब आज भी मैम हम कभी गाड़ी में जाए ना और पास से कोई रेलगाड़ी गुजरे तो हमें आप दिखाई देने लगती हैं। किताब पढ़ के। हाँ, किताब पढ़ते हुए। और राजेश खन्ना साहब, वो तो शुक्र है उनके साथ सुजीत जी गाड़ी चला रहे थे, वो खुद चला रहे होते तो आपके चक्कर में गाड़ी ठोक देते वो, मतलब ये। और शर्मिला मैम पहली हीरोइन है जिनका डिंपल इतना फेमस हुआ। मुझे तो अर्चना ये भी कह रही थी, कहती पूछना मैम से कि आप एक्टिंग के साथ डिंपल का अलग से चार्ज करती थी आप? Don't believe a word he said. You and I will stick together. Yes. देखा कपिल, वुमन पावर। Absolutely. मैम आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो, जोरदार तालियां मैम के लिए। चाहे मैंने मजाक में बोला, लेकिन ये सच है कि मैम की खूबसूरती के, मैम की कलाकारी के लोग इतने दीवाने हैं। मैंने तो यहाँ तक भी एक अफवाह सुनी है, पता नहीं सच है, कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को इनका डिंपल इतना पसंद था कि उन्होंने शादी भी डिंपल से की इसी चक्कर में, मतलब टू गुड। मैम आपके घर से तकरीबन सब हमारे शो पे आ चुके हैं, सैफ सर, करीना, सोहा आई हैं, कुणाल आए हैं, आपके समधी रणधीर कपूर साहब भी आ गए। उन्होंने आपको जाके बताया नहीं कि एक शो ऐसा है जहाँ पे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? आप अपनी फिल्म आने का इंतजार कर रही थी या जुगाटो के आने का इंतजार कर रही थी? परफेक्ट टाइमिंग, टाइमिंग तो सही है ना? बहुत बहुत मैम, वी एक्टर्स बिलीव इन टाइमिंग, तो इसीलिए अभी सही टाइम पे आए। बिल्कुल ठीक है ना, करेक्ट। अच्छा शर्मिला मैम खुद तो सुपरस्टार रही हैं, इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके साथ जोड़ी भी इनकी सुपरहिट रही है, चाहे आप देख लो राजेश खन्ना साहब हों, चाहे शमी कपूर जी हों, चाहे शशि कपूर जी हों, धर्म जी हों, लेकिन जब शादी की टाइम आया तो इन्होंने नवाब पटौदी साहब के साथ शादी की। तो जब आपकी शादी हुई मैम, तो आपके को स्टार्स ने फोन नहीं किया कि अगर आपको क्रिकेट इतना ही पसंद था तो हमें बता देती, हम भी क्रिकेट खेलते? शमी कपूर वाज ऑलरेडी काफी एस्टैब्लिश्ड थे उस वक्त। जी जी मैम, अगर आप हिस्ट्री बदलना चाहे तो अलग। नहीं नहीं, पर मैं बोलता हूँ कि आपने, आपकी जोड़ी जो होती है, मतलब वो तो हाँ सुपरस्टार थे उस वक्त। एक वो था ना, दौर था कि शम्मी कपूर जी के साथ कोई न्यू कमर काम करे तो सीधा यू नो यू बिकम, वाओ। सो इसीलिए तो कश्मीर के गली एंड एवरीथिंग। क्या ही बात थी मैम, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। अच्छा कश्मीर की कली, अगर आपको वो गाना याद है ना, जब शमी साहब गाना गा रहे हैं शर्मिला मैम के लिए, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ, जब तारीफ बोलते तो एकदम से बोर्ड से नीचे गिर जाते हैं, तो वो डायरेक्टर ने बोला था कि आपको देख के फिसल गए थे वो? शमी जी के साथ काम करना इतना मुश्किल था क्योंकि, और आई वॉज अ न्यू कमर है ना, तो रिहर्सल में कुछ करते थे और एक्चुअल टेक में कुछ और करते थे, तो कभी यहाँ से आ जाते थे, कभी वहाँ से आ जाते, कभी ऊपर से आ जाते, अनप्रेडिक्टेबल थे वो। बिल्कुल, देयर वाज नो डायरेक्शन जो आपको कूदना है। उसको छोड़िए, आपको इवनिंग इन पेरिस का याद है ना, जब वो हेलीकॉप्टर से लटक आसमान से आया फरिश्ता, तो आई वॉज डूइंग दैट वाटर स्कीइंग और वो हेलीकॉप्टर में थे, और बिल्कुल यू नो एज में लोग के काफी थाइज वगैरह दिखा रहे थे, यू नो इट वाज आल्सो वेरी सेक्सी। सो एंड देन द हेलीकॉप्टर जो चला रहे थे उसे मुश्किल था ना, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वाज गोइंग लाइक दिस, और बीच में कोई रिहर्सल नहीं, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं,
suddenly he jumped on the boat. बाप रे. That was not in the script. अच्छा जी. Oh my. आपने जब मुझे कहा enter करो और queue में, तो मैं तो ठीक से आई ना. मैं तो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया. शमीजी was like that. शमीजी को dangerous शर्मिला जी. जी. मतलब एक हेलीकॉप्टर से बोट पर कूदना स्टंटमैन के लिए डिफिकल्ट होता है. देखिए. तो शमीजी ने और बिना रिहर्सल के. पर बहुत लोग हैं अर्चना जो मेहनत करके जैसे मतलब कमाते हैं ऐसा. सबकी किस्मत में नहीं होता सामने बड़ी सी कुर्सी लगा के बैठ जाओ. शर्मिला जी को बैकग्राउंड देती हूँ. शर्मिला जी ये मेरे ऊपर सार्केस्टिक कमेंट कर रहा है. ओह अच्छा सॉरी आई टेक बैक माय स्टेप. वापस आ जाओ. आई डिडंट रियलाइज शी इज माय ओल्ड फ्रेंड. यस हम साथ काम कर चुके हैं तो आप जरा प्लीज ऐसा मेरे सामने तो मत देखा. जो इनकी जगह पहले बैठते थे वो भी मेरे बड़े ओल्ड फ्रेंड थे. आपको तो पता ही होना चाहिए वो नवाब पटौदी साहब के भी फैन थे हमारे सिद्धू जी. तो देखिए आप अब आप किस तरफ जाना पसंद करेंगी. नहीं सिद्धू जी तो मुझे भी बहुत पसंद है. मैम जब आपने नवाब साहब के साथ आप मिली आप पहले क्रिकेट की फैन थी या नवाब साहब की फैन थी पहले. ये मुश्किल है मगर मैं क्रिकेट की फैन थी. अच्छा जी. क्योंकि माय पेरेंट्स वर आल्सो मैड अबाउट क्रिकेट और कोलकाता में हम लोग जरा क्रेजी है यू नो स्पोर्ट्स के लिए. तो क्रिकेट फैंस थे मगर क्रिकेटर्स के भी फैन थे. क्योंकि उस उम्र में हम भी थोड़ा सा क्यू में खड़े होके सब क्रिकेटर्स को चीयर करते थे. एक्चुअली आई वॉज अ जयसिम्हा फैन. अच्छा. तो बस अचानक मुलाकात हो गई नवाब साहब से. मतलब पहली नजर में प्यार हो गया होगा आपको देख के. तो बिल्कुल नहीं बिकॉज ही वॉज अभी इंग्लैंड से आए हुए थे तो वो अंग्रेजी में क्या बोलते थे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. बिकॉज ये सिर्फ अंग्रेजी एक्सेंट नहीं वो कुछ ब्रिटिश एक्सेंट थे. अच्छा जी. और उनका जो जोक्स थे ना जो ह्यूमर थे वो बिल्कुल अलग थे. तो वो खुद के जोक में खुद ही हंसते थे क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता. आई थिंक माय चिल्ड्रन विल किल मी व्हेन दे हियर दिस. ये सब क्या हो रहा है बाकी हमारे पे क्या बोल रहे हो तुम कपिल शर्मा के शो में. सो नॉट इट वॉज नॉट लव एट फर्स्ट साइट बट इट वॉज लव. And I don't know. I just felt that he will never hurt me intentionally. So sweet. And I felt I could trust him. You know? So that was the basis. Isn't that the most important thing? Sharmila ji, how did Patodi ji propose to you? आपको propose कैसे किया उन्होंने? We were in Paris. You know, on the Bastille Day, जो जिस वक्त वो पूरे शहर रास्ते में उतर आते हैं दे सेलिब्रेटेड यू नो देयर इंडिपेंडेंस और सब कोई पी के और खुश हो के वहाँ पे जो फाउंटेन्स होते हैं उसके अंदर कूद जाते हैं. इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉकिंग ऑन द रोड. तो वहाँ पे ही सडनली यू नो जैसे नील करते हैं ना वो फिल्मों में जैसे करते हैं नेल्ट ऑन द thing and he said will you marry me. I said kya bol rahe ho sunai nahi de raha. Because there was so much chaos. Yes. Then he said will you marry me loudly. I said yes I will. Acha aisa hua tha. Mam jaise Indian shaadiyon mein hota hai na ki jo dulhan ki behne hoti hain wo dulhe ke jeeja ke joote churati hain. तो ये अर्चना जी का ये सवाल था कि आपकी बहनों ने उनके जूते चुराए थे कि बैट चुराया था उनका. बैट किस लिए? वो बैट लेके थोड़ी आए थे मुझे शादी करने के लिए. नहीं मगर यू नो इट वाज गोइंग ऑन सो वेल शादी तो इट वाज वेरी नाइस एवरीबॉडी वाज हैप्पी एंड माय सिस्टर आई हैव गॉट टू सिस्टर्स माय youngest sister is 18 years younger than I. Okay. So when I got married wo 5 saal ki thi us waqt to baaki sab khush the to hum jab ja rahe the to wo rone lagi to noshi kuch nahi churaya bechari mujhe matlab jaane nahi de rahi thi. अच्छा उसे जिसको क्यों चुरा के ले जा रहे हो मेरे पास रहने दो. ये प्रथा नहीं है हमारे यहाँ कुछ बंगाली वी डोंट चुराओ एनीथिंग. अच्छा दिल चुरा लिया आपने नवाब साहब का. हाँ वो ठीक है वो. हाँ वो क्या देख लो हर एक की कहानी आलना के देख लो. जैसे मैम ने बताया कि छोटी बहन जो बिल्कुल छोटी थी रोने लगी. देखो जब इनकी शादी हुई परमीत सर रो रहे थे.
की हम लोग सबका अपना अपना देखो. Why are you laughing? शर्मिला जी, I hate to say it, पर जब ये बदमाश को जोक मारता है ना, चाहे मेरे पर हो किसी, मुझे हंसी आ ही जाती है. इसलिए तो रखता है. Because he says it so nicely, ना, because there's no, yeah, yeah, yeah. और यहाँ पर धंधा भी ऐसे ही चलता है. मैं हंसना बंद कर दूंगी, ये फिर एक क्रिकेटर्स को ले आएगा. हाँ, ये भी है, दिमाग से काम लेना चाहिए बिल्कुल. तो मैम, जब शम्मी जी के साथ आपने कश्मीर की कली साइन की, वो कैसे शुरुआत हुई उसकी? वो एक बंगाली कनेक्शन, क्योंकि सचिन भौमिक जो लिख रहे थे जी, तो ही वाज अ बंगाली. अच्छा जी. एंड मेरे माता जी के साथ उनका एक फ्रेंडशिप था, तो एंड शक्ति जी वाज आल्सो बंगाली. अच्छा जी. और फिर उन्होंने अपूर संसार देख चुके थे. शम्मी जी उस वक्त ऑल न्यू हीरोइंस के साथ काम कर रहे थे. अच्छा जी. सो शक्ति जी थॉट दैट इट बी अ वेरी नाइस आइडिया दैट I'll get this girl and एक pair, मतलब ऐसे ही हुआ. बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म थी मैम, और आपका काम भी क्या. गाने कितने खूबसूरत थे. गाने कितने खूबसूरत थे. गाने बहुत खूबसूरत थे. आई वॉज वेरी नर्वस, यू नो, द फर्स्ट डे वो दाल लेक में शूटिंग हुई तो दीवाना हुआ बादल जी. वो लिप सिंक करना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, तो मगर वो शॉट देने के बाद जब मैं आई तो आशा जी एंड ओपी नायर साहब वेट कर रहे थे मेरे. तो आशा जी मुझे गले लगा लिया और कहा कि बहुत अच्छा शॉट है. तो इट वाज सच अ वंडरफुल मोमेंट. जस्ट इमेजिन आशा जी सेइंग यू हैव गिवन अ गुड शॉट. एक्चुअली तो मैं बहुत याद है वो फिल्म का. बहुत ही बेहतरीन फिल्में थी मैम आपकी सारी. आज शर्मिला मैम से हम और भी बहुत से मजेदार किस्से सुनेंगे. अब वक्त है एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे इन्वाइट करने का, जिनके हम सब फैन हैं और वो भी आगे इनके बहुत बड़े फैन हैं. मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बाजपाई साहब. मनोज भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद. मैं एकदम दूल्हे लग रहे हो आप आज. अच्छा, मनोज सर की जो फिल्म आई गुलमोहर. अच्छा देखो मैम, आपको देख के हम ऐसे मंत्रमुग्ध हो गए, हमने गुलमोहर की अभी तक बात ही नहीं शुरू की एक्चुअली. और मैम आपको पता है, मनोज भैया फिल्म को लेकर तो एक्साइटेड थे ही. मेरी जब बात हुई तो बोलते यार शर्मिला जी 12 साल बाद शायद आप वापस फिल्में करना शुरू किया है, तो बोलते हैं हमें उनको सेलिब्रेट करना है और तुम फिल्म देखने जरूर आना. मैं वहीं समझ गया था मनोज भैया आपका कॉन्फिडेंस देख के. मैं कहा फिल्म बड़ी कमाल की बनी है. मैं फिल्म देखने गया और वाकई में इतनी खूबसूरत फिल्म कि आप उसमें आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो उस फिल्म के साथ. और आपका किरदार मैम और मनोज भैया का और बाकी सब किरदार, मतलब एक एक और ब्यूटीफुल फिल्म है सर. इनके बारे में मुझे किसी ने बताया, इनके बगल में एक महिला बैठी हुई थी तो मुझे वो बता रही थी कि कपिल की आंखों से आंसू आ रहे थे. बहुत कहती कि कपिल मेरे को इतना अच्छा लगता है, मेरी माँ का इतना फेवरेट है कि मेरा मन कर रहा था कि उसको जो है टिश्यू पेपर दे दो. बहुत ही बढ़िया मनोज भैया. थैंक यू मनोज भैया. आप जब फिल्में देखते थे शर्मिला जी की, आपने कभी सोचा था एक दिन आप इनके साथ फिल्म करेंगे? मुझे अभी तक विश्वास नहीं है. और जो शर्मिला जी मेरी बात पे भरोसा नहीं करते. अच्छा. हमने शुरुआत किया जब फिल्म की शूटिंग से पहले हम लोग मिले, हमने निर्णय लिया कि अच्छा शर्मिला जी तो अब घर चली जाएंगी, रीडिंग हो चुका है, अब हम लोग वर्कशॉप करेंगे. अच्छा. तो वर्कशॉप मैं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन शर्मिला जी ने कहा कि नहीं मैं बैठूंगी वर्कशॉप में, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी लेकिन मैं बैठूंगी. लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बैठे हुए इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था वर्कशॉप में, सारी एक्सरसाइजेस में. सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. वाओ. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.